सत्य माना जाता है, सही माना जाता है। इसलिए हुआ तो आज जो है आज पूर्व जन्म का उनका देन है कि आज प्रधानमंत्री हुए हैं। जड़ चेतन जीव जतन, जीव जतन सकल राम मैं जानी, आ बंधव सबके कमल चरण जोरी जुग पानी। जो है अपना जो है ये वातावरण का जो सब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, कहाँ कौन ग्रंथ में दिया है हिंदू और कौन ग्रंथ में दिया है मुस्लिम है। भत्ता मिलना चाहिए, हम मंदिर में अगर भगवान का सेवा कर रहे हैं तो उस दौरान भी हमें भी कुछ न कुछ मिले। तो क्या लगता है आपको, ये मांगे जो है ये जायज है या संतों को कि नहीं, ये जो है ब्राह्मणों की ये सब जो है देन है, बिलगाव है, उनों की वाणी ऐसी है, छुआछूत लाने वाले वही लोग हैं। ब्राह्मण जिसको कहा जाता है सनातन धर्म में, ये उन्हीं लोगों का देन है। क्या देन है उनका? वो जो है जात पात जो है वही लोग बनाते हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं तरुण 24 न्यूज। और मैं इस टाइम पर एक मंदिर परिसर में, और ये मंदिर परिसर सीधी जिला का ये राम जानकी मंदिर जो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ पर जो है लोगों का तांता लगा रहता है। आज जैसे मैं यहाँ पर पहुँचा, आप इस टाइम पर स्क्रीन में देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं, इस मंदिर का जो है भ्रमण करते हैं और साथ में यहाँ पर प्रसाद लेते हैं और फिर यहाँ से दर्शन करके आते जाते रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ें जो देखने को मिली कि आप जो है यहाँ पर एक साधु हैं, संत हैं आप, और साधु संत यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप पुजारी हैं, तो कई जगहों का भ्रमण करके और एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो है उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आपको सीधी जिले के बारे में कैसे पता चला। और आप बता रहे हैं कि हम जो है बिहार से हैं, तो बिहार से आप यहाँ कैसे आए, आज जानने का प्रयास होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि एक ऐसा मंदिर परिसर जहाँ शायद आप लोगों को पता ना हो कि राम जानकी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वो भी हम आपको यहाँ पर पूरी चीज़ों से अवगत करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे परिचय और आपसे कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। कैसे यहाँ आपको पता चला, सीधी जिला जो है कैसे यहाँ आना हुआ आपका, या इस मंदिर में कैसे आए आप, और कितने दिन हो चुके हैं? मैं तो अयोध्या आया, हमारे महाराज जी अयोध्या के हैं, चार शिला मंदिर, राम शरण महाराज, मैं उनके शिष्य हूँ। और वह मंदिर का मठाधीश ये सीधी जिले के जो है जगत गुरु महाराज को जो है उन्होंने लिख दिया। अब इससे जो है जो भी कार्यक्रम होता है वहाँ के बिहार के संत, मिथिला धाम के संत, उत्तर प्रदेश का संत, सभी आते हैं। और ये प्रसिद्ध जगह है, पौड़ी धाम जो है, पौड़ी धाम में जो है कथा चल रहा था, जब जन्म का उत्सव चल रहा था, और अयोध्या से हम तीन संत आए और उत्सव तक जो है हम सभी रुके। वहाँ से जो है इस मंदिर के सेकेंड पुजेरू जगन्नाथ बाबा यहाँ मुझे लाए। मैं फलहारी हूँ, व्रतधारी हूँ, उन्होंने कहा कि चलिए हमारे मंदिर में फलहार का व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आया हूँ यहाँ करीब करीब 10-15 रोज हो ही गया, और ये जगह बहुत फेमस जगह है, बहुत अच्छे विचार के लोग हैं, श्रद्धालु भक्त लोग हैं, भक्तों को बहुत सम्मान दे रहे हैं। अगर बात की जाए सुकून की, तो यहाँ पर जो सुकून इंसान ढूंढता है वो सुकून यहाँ पर मिल रहा है या नहीं? ये तो जंगली जो है पहाड़ी इलाका है, संत का तो जो है जंगल ही मंगल है,
तो जंगल तो जो है ये है, जंगल में जो है मंदिर है ये है। कितने सालों से आपने अनाज नहीं खाया, आपने भोजन नहीं किया, जो भी किया आपने सिर्फ फलों का जो है फलाहारी आप बन के रह गए। 12 वर्ष से ऊपर चल रहा है। 12 वर्ष से सिर्फ जो है आप फलाहारी बन के। हाँ हाँ। तो ये दोनों टाइम रहता है आपका या दिन में? एक टाइम। हाँ। दोपहर में या 1 बजे 12 बजे करीब में जो है फलाहार कर लेते हैं, उसके बाद जो है। बिहार में आप किस जगह से हैं? हम बिहार में हैं, पश्चिमी चंपारण से, बेतिया। हाँ। वहाँ कैसा चल रहा है, साधु संत की बात करूँ या आम समाज की बात करूँ? सभी अच्छे हैं वहाँ के भी संत। तो आप यहाँ 12 दिनों से जब हैं, तो आपने क्या देखा सीधी जिले में? यहाँ सभी यहाँ के जितने भी श्रद्धालु भक्त लोग हैं जी। संत के प्रति जो है प्रेम भाव है, लगाव है। अभी जो है बहुत बड़े बड़े अफसर यहाँ जो है सुबह शाम आते हैं लोग जी मंदिर के सेवा में, और जो है जो कुछ भी करना है वही लोग करते हैं। आपको क्या लगता है अभी इस मंदिर में किस चीज़ की आवश्यकता है, या फिर क्या चीज़ें चाहिए यहाँ पर अभी मौजूद जो हैं? तो कुछ बहुत अभी कमी है, जैसे कि जो है पानी पीने के लिए लोगों को जो है गर्म पानी पीना पड़ता है जी। गर्म पानी इसलिए कि जो है टंकी ऊपर छत में बैठा दिया गया है जी। वो पानी गर्म हो जाता है जी। और पानी पीने लायक रह नहीं जाता है, जिससे चलते कुंडी जो है हम लोग बैठाए हुए हैं पीने के लिए श्रद्धालु भक्तों को जी। तो कमी तो बहुत कुछ है अभी। मतलब आपके हिसाब से यहाँ पर एक फ्रीजर हो या मटके का पानी हो तो थोड़ा शीतल जल मिलेगा? जी जी जी, जो भी भक्त श्रद्धालु भक्त लोग दर्शन के लिए आते हैं जी। और वह जो है प्यासे लोग होते हैं तो हाँ, तो उनको तो जल चाहिए जी। तो ये कमी है, बहुत कमी है। मतलब जो कमी है वो सिर्फ ठंडा पानी की बात? हाँ। और कुछ ऐसी चीज़ें है अभी जो है पूर्ण रूप से जो है नहीं बन पाया है, इसका छर्दवाली भी नहीं हो पाया है। मैं बात करूं कि और कहीं अगर हो, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ की बात कर रहे हैं, कई जगह आप पहुँचे, क्या वहाँ पर पानी की व्यवस्था आपको देखने को मिली? जी। ऐसी कौन सी जगह रही जहाँ पर फ्रीजर रहा हो या मटका ठंडा पानी मिला? ऐसे बनारस में जो है दुर्गा मंदिर में जो है ठंडा मिला जी। फ्रीजर जी। वो जो है मानस मंदिर में, संकट मोचन मंदिर में जी जी। मतलब एक शीतल जल मिला लो। जी जी। तो आपने देखा कि इस मंदिर परिसर में आपसे हमारी मुलाकात हुई, आपका नाम? हमारा नाम राम, सीताराम शरण। सीताराम शरण। तो आप जो है कुछ चीज़ें जो आपके द्वारा बताई जा रही कि इस मंदिर में सबसे बड़ी चीज़ें जो है वो शीतल जल की व्यवस्था नहीं है, जिससे गर्म पानी आम जनता को यहाँ पर पीना पड़ता है, ये हमारे समाज की कमियाँ हैं, या हम ये कहें कि हमारे इस ज़िले में जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके द्वारा ये कमियाँ देखी जा रही हैं कि कैसे मंदिर परिसर में जहाँ लोग आमजन आते हैं कई दिनों तक यहाँ पर वक्त बिताते हैं, और एक ऐसी मंदिर में जहाँ पर लोग लगातार आना जाना जिनका बना रहता है, उस मंदिर में ठंडा पानी तक पीने के लिए व्यवस्था नहीं देखी जा रही। या मैं बात ये करूं कि यहाँ के जो विधायक हैं लगातार जो यहाँ पर मौजूद रहते हैं सीधी ज़िले में, आम जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक मंदिर में ठंडा पानी की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये जनता से जब वोट मांगने जाते हैं तो किस हिसाब से जाते हैं? हम बात ये राजनीति की नहीं कर रहे, बल्कि एक आम जनता की कर रहे हैं कि आम जनता क्या भोग रही है, वो भी आप बाहर से बिहार से आके बता रहे हैं कि यहाँ पर ये व्यवस्था है, तो शायद अंदाज़ा लगाया जा सकता है शायद अब तो आंखें खुल सकें, जिसकी वजह से आम जनता को कम से कम पानी की व्यवस्था तो आप करा ही सकते हैं। हम यहाँ पर जो है आपसे मिलेंगे, और आप जो हैं कई यहाँ सालों से मौजूद हैं, आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि कितने सालों से ये जो मंदिर यहाँ पर बना हुआ है या जो ये मूर्ति स्थापित हुई तो किसके द्वारा स्थापित की गई थी। महाराज जी, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम जी, हमारा नाम यज्ञ नारायण दास है जी। महाराज जी, ये मंदिर कब बना? ये मंदिर तो 25 वर्ष हो गया, 25 वर्ष मानो 25 वर्ष स्थापना हुई हुई, उसके पहले से बन रहा था ना जी। इसके बाद वो तो स्थापना हुई है जी। हाँ, यहाँ। और ये मंदिर जो है
तो अयोध्या के अयोध्या में गुरु जी रहते थे हमारे, तो गुरु जी ने यहाँ सब जनता जो गुरु भाई हैं जितने गुरु भाई थे ना, उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि हम हर समय अयोध्या नहीं आ सकते हैं है, इसलिए हमको एक अयोध्या यहाँ बनवा दिया जाए, भगवान का स्थान बनवा दिया, इसलिए हम लोग यहाँ दर्शन कर सकें। महाराज जी, ये जो मंदिर बना, इसमें आज जो है यहाँ पर लोगों का जो आना जाना है, तो लगातार बना हुआ है, भक्तगण आते हैं, या जो आप अपेक्षा करते हैं कि इतना आना चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं? अब ये तो आगे नहीं बता सकते भैया। जैसे मैंने ये सवाल किया आपसे कि यहाँ पर जो भक्तगण है, दिन भर में लगभग कितने लोग आ जाते हैं? हाँ, यहाँ हम गिनती नहीं बता सकते हैं, ये आते हैं, कितने आते रहते हैं, कभी आ जाते हैं। तो अंदाजा की बात है कि 150 लोग दिन भर में आ जाते हैं। ये तो 150 दिन भर में क्या आ जाते हैं? हाँ, ये 150 तो आ जाते हैं, बात सही है जी। हाँ। तो एक श्रद्धा लेके यहाँ पर इस मंदिर में पहुँचते हैं, तो खाली हाथ तो लगभग कोई ना जाता होगा? नहीं तो वहाँ जैसे खाली तो आप, हम भगवान जाने नहीं जानते यहाँ, जैसे प्रसाद उसाद थोड़ा चरण में प्रसाद हर आदमी को दिया जाता है, उसी से आदमी संतोष होता है वहाँ आकर के। किसके द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया ये बताए ना, हमारे जो गुरु जी अयोध्या में रहते थे राम हर्षण दास जी महाराज हैं, सरकार हम लोग कहते हैं उनको, उन्होंने आज्ञा दी थी तो एक यहाँ की बानिन थी, उसका क्या नाम है, हो बानिन का, तो वो अपने उस पट्टे की ज़मीन से दान की थी हैं, उसके बच्चे नहीं थे तो जाकर अयोध्या में दान किया था, तो दान के बाद उन्होंने इसको, बड़े नहीं ले रहे थे तब फिर लिया, और फिर भगवान की स्थापना करा करके और इसको अयोध्या धाम बना दिया। इतने सालों से आप जो है तो इनकी सेवा कर? हम 15 साल हो गए हमको यहीं पर स्थापित। हाँ, हम 15 साल से बैठे। तो इस 15 साल में आपने क्या देखा इस मंदिर में, क्या लोग यहाँ पर मन्नतें लेकर लगभग आते हैं, क्या यहाँ से लेकर जाते हैं? अब आदमी अपना अपना प्रभाव करता है, आदमी आज जिसकी भावनाएं होती हैं वो उन भावनाओं को लेकर के आता है, उनकी पूरी भी होती हैं उनकी भाव, वो तो पूर्ण करने वाले वो हैं है, तो पूरी भी करते हैं और मन्नत भी बनाते हैं जैसे अल्लाह करके, और जैसी जैसी उनकी इच्छाएं होती हैं, जो जैसी जिसकी भावना होती है उसी प्रकार उनको प्राप्ति होती है। जैसे आपको पता ही है कि मतलब दोहे के अनुसार अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है ना कि एक जान साधु से पूछी जाती है, जाति धर्म नहीं पूछा जाता। तो आज जो है हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं मंदिर में जो बैठे संत हैं, और संतों की जो ये मांग है कि हम मंदिरों में जो है लगातार बैठे रहते हैं, हमारा भी परिवार रहा, हम अपने परिवार को, कुछ लोग परिवार को छोड़ देते हैं, कुछ लोग बीच बीच में परिवार के साथ रहते हैं, संत कई तरीके के होते हैं। तो जो आज सरकार से एक चीज़ मांगी जा रही है कि हमें जो है भत्ता मिलना चाहिए, हम मंदिर में अगर भगवान का सेवा कर रहे हैं तो उस दौरान भी हमें भी कुछ न कुछ मिले, तो क्या लगता है आपको, ये मांगें जो है ये जायज़ है या संतों को पैसे की आवश्यकता नहीं है? हम भगवान की पूजा करने के लिए आए, गुरुजी ने हमको आदेश दिया है तो हम पूजा कर रहे हैं, अब हमसे कोई मतलब नहीं है। क्या आपकी कोई ज़रूरतें नहीं होती? ज़रूरतें होंगी तो पूरा करेंगे, अब जिनके पास है जरूर विश्वास है भाई, जिनके पास है 15 साल से रखे हैं तो पूरा करेंगे, आदमी क्या करेगा हमारी पूरी मनुष्य क्या। फिर जिन संतों के द्वारा मांग रखी गई तो क्या आपको लगता है कि वो गलत? नहीं तो हम काम उनकी गलत थोड़ो किसी कह रहे हैं, अपना बता रहे हैं ना, हम उनकी गलत नहीं बोल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी भावनाएं होती हैं जी। हाँ, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई संत हैं वो गलत कहते हैं, गलत कभी नहीं कहते हैं, तो अपनी अपनी भावनाएं अलग अलग होती हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगभग सीधी से मार्केट से थोड़ी सी हट के है, ज़्यादा दूर की बात तो नहीं, लेकिन 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, 2-3 किलोमीटर दूरी पे है, एक अलग ही शांति है, ना कोई शोर, ना कोई सराबा, ना कोई गाड़ी का हाम, कोई चीज़ें यहाँ पर नहीं है। क्या महसूस करते हैं, एक शांति है यहाँ पर कि यहाँ तो जो बड़े बड़े ऋषि और बड़े बड़े संत यहाँ जब आते हैं उनकर, जब यहाँ पैर धरते हैं तो उनको ये मालूम होता है कि हम किसी स्थान में आए, कितना सुकून हमको मिल रहा है, सब ये लोग कहते हैं है? हम तो है ही, हम क्या कहेंगे ज़्यादा, हम तो, लेकिन सब कहते हैं यही आकर के, बड़े बड़े संत ऋषि जो आते हैं तो ये कहते हैं कि जितना सुकून हमको यहाँ मिला है और शांति है। ये मंदिर की मैं बात करूं तो सिर्फ मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो तो सामने ही हैं, लेकिन इतना बड़ा जो मंदिर बना हुआ है ऊपर नीचे टोटल, इसका क्या मतलब है?
मंदिर जो है, ये मंदिर तो इतना बड़ा ही है लगभग जो आपका है, लेकिन इसका परिसर बहुत बड़ा है, तो इस परिसर का इतना बड़ा होने का क्या मतलब? क्या ऊपर भी देवी देवताओं का वास है यहाँ पर? हमारे गुरु जी के द्वारा एक ही भगवान है, दूसरे भगवान नहीं हैं। वो जो भगवान विराजे गए हैं, परिसर ऐसा है कि इनके शिष्य बॉम्बे के हैं, गुजरात के हैं, पूरे सब तरह के शिष्य है। तो जो कार्यक्रम होता है तो अब वो परिवार के सहित आते हैं, तो कहाँ रखा जाए उनको, इसलिए ऊपर नीचे जो बने कमरे उन्हीं में उनको रहते हैं और उनकी व्यवस्था की जाती है। सनातन धर्म से लोग आज परेशान होकर कहीं अन्य धर्मों में भी कदम रखने का प्रयास कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आम जनता के लिए, जो सनातनी धर्म है, हिंदू हैं, फिर भी वो अपने धर्म को छोड़ के बाहर जा रहे हैं? तब बताइए, हम तो कहीं जाते नहीं जी। हम जो जा रहे हैं उनके लिए क्या कहें? हम तो कहीं जाते नहीं भाई, हम तो आज यहाँ से जाकर हम कहीं गए नहीं जी, हैं तो हम भ्रमण नहीं करते जा करके। लेकिन जो जा रहे हैं मान लीजिए, नहीं हम तो भ्रमण कर जब जाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तब ना बताएंगे जी। हाँ, ये बात बता रहे हैं जी जी। थोड़ी करीब आ जाए। अब ब्राह्मण जिसको कहा जाता है सनातन धर्म में जी। ये उन्हीं लोगों का देन है। क्या देन है उनका? वो जो है जात पात जो है वही लोग बनाते हैं, छुआछूत वही लोग मनाते हैं। क्या ये इसी का देन है? इसी का देन है कि वो जो है वो एक जो है दूसरे संगठन में चला जाता है। तो जैसे जैसे आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण किसी अन्य संगठन में जाता है, वो कौन से ऐसे संगठन में? ब्राह्मण नहीं जाता है, उनके जरिए जो है यानी हीनता मने देख करके लोग जो है इस मने समाज को छोड़ते हैं। सनातन धर्म जो कहलाने वाले हैं वो अपने को जो है हीन महसूस समझ के जो है दूसरे से यानी विलग होते हैं, दूसरा कोई नहीं। क्या ऐसी खास वजह देखते हैं आपकी, मतलब ब्राह्मण ही क्या टारगेट करता है किसी? नहीं, इसमें जो है पूंजीपति वाले वर्ग भी लोग हैं उसमें जी। हाँ, वो जो है जो पैसा वाले हो गए वो समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। आज जो है जाति पात की अगर बात, आपने ब्राह्मण जाति की बात कर दी, तो अब सिर्फ जाति बात की ही बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि समाज में जो जातिवाद जो है, जाति पात जो भी देखा जाता है, वो होनी चाहिए नहीं होनी? ये जो है यही तो जो है ये मानव का जो है बिलगाव जो है अलग बलग जो है होना, यही तो कारण है। आखिर किसने बनाया होगा ये जाति? बनाया किसने है? वही ब्राह्मणों का देन है। ब्राह्मणों का देन? हाँ, ब्राह्मणों का देन है। वो जो है अपने को जो है बहुत शिक्षित समझा लोग, और दूसरे को जो है हीनता से समझा। यहाँ पर जो गुरु रहे जिन्होंने शिक्षा दीक्षा जो शुरुआत से दिया, तो वो तो दिया जी। तो वो गुरुकुल जो है कहलाया, तो उसमें भेदभाव नहीं था, राजा हो रंक हो जी। उसमें भेदभाव नहीं था, समता विषमता नहीं था। आज समता है विषमता है, संत में भी वही भाव है समता विषमता की, संत में भी वही भाव है। तो ये जो है एक जो है ये समाज में तो कहीं ना कहीं ये तो कमियां है, जिसके चलते जो है वो छोड़ करके दूसरे से समाज में जा रहे हैं। तो क्या ये सनातन जो धर्म है, तो क्या सिर्फ ये ब्राह्मणों वश का है कि उन्हें छोड़ के जाना पड़ रहा है? वो ब्राह्मणों का नहीं है, ये तो मानव जाति के लिए है। मानव जाति के लिए, जो मानव पूरे विश्व में जितने भी मानव है, वो सनातन धर्म वो मानव जाति के लिए है। जाति एक ही है, वो मानव जाति, यही तो है। लेकिन वो जो है अपना यही समझा कि नहीं, मैं जो है विद्वान हूँ, शिक्षित हूँ, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। तो लेकिन शिक्षित तो कोई भी हो सकता है। हाँ, तो आज के ज़माने में जो है सब कोई समझ गया, जान गया कि नहीं ये जो है ब्राह्मणों की ये सब जो है देन है, बिलगाव है, उनों की बाणी ऐसी है, छुआछूत लाने वाले वही लोग हैं। अच्छा, उनका छुआछूत में विशेष हाथ बता रहे हैं। हाँ,
जी। तो ये ब्राह्मणों का कैसे छुआछूत, ये जो दूरी दूर दूर रहो पास मत आओ, ये सारी चीज़ें जो आप, हाँ हाँ, तो कर्म जो है, कर्म के जो इस तरह जो कर्म पर जो है वो लोग जाति बना दिया। अब चमड़ा छीलने वाले को जो है चमार कह दिया, कपड़ा धोने वाले को धोबी कह दिया कि वो धोबी जाता है। तो इस तरह कर्म पर जो है लोग जो है मैंने जातिवाद बना दिया कि वो नीच जाती है, वो उसे छुआछूत है, उसे दूर रहो। जबकि कार्य कोई छोटा या बड़ा नहीं नहीं होता है, सभी कार्य तो जो है कार्य ही है ना। और हल चलाना जो है वो भी तो एक कार्य है, किसान किसान जी। तो अब जो है तो किसान से जो है उनकी फायदा है, जिसके दरवाजे पर जाएगा उसको तो जो है यानी चावल या और रिधि सिद्धि उनको प्राप्त होगा। तो मतलब ये जाति पात नहीं होनी चाहिए ना, जात पात तो एक मानव जाति है ये है, दूसरा तो जात है ये नहीं है जी। इसको तो जो है यानी यही जो है जिस सात ब्राह्मणों का जो है। तो अगर जाति पात नहीं होगी तो धर्म भी नहीं होगा? नहीं नहीं, धर्म तो एक ही है, धर्म तो एक ही है। फिर ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो है ये आपसी का जो है अपना जो है ये वातावरण का जो सब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, कहाँ कौन ग्रंथ में दिया है हिंदू और कौन ग्रंथ में दिया है मुस्लिम, नहीं ये सब जो है बकवाद है। फिर तो सवाल ये, जाति के लिए एक ही धर्म है ये है, वो है सत्य, सत्य जिसको कहा गया है, सत्य से ही सनातन कहा गया है। धर्म जो है वही है सब मानव जाति के लिए, सत्य सत्य ही ईश्वर है, इससे जो है दूसरा कोई धर्म नहीं है। तो अब जो है साधु संत, इसीलिए जो साधु संत के जात पात नहीं पूछा जाता है जी, साधु में जो है जात पात नहीं पूछा जाता है, जो भी कंठीधारी हो गया वो संत है, वो ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप तो सब कोई है। तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि जड़ चेतन जीव जतन जीव जतक, सकल राम मैं जानी आ बंदो सबके कमल चरण जोरी जुग पानी। यानी मैं सबके कमल चरणों को वंदना कर रहा हूँ, जड़ हो यानी वृक्ष, जितने भी वृक्ष है जड़ या चेतन, चेतन मोने मानो जी, आजीव जड़ चेतन जीव, तो जितने भी जीव है वो सभी तो ईश्वर के अंश है। बिल्कुल है, तो ईश्वर अंश है सब जो है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो सभी ईश्वर हैं, तो सभी तो एक ही न है, दो कहाँ से आया? फिर ये जाति और धर्म की क्या आवश्यकता थी? ये अब अभी जो है देखिए पार्टी विशेष पर कि हम फलाना जाति हैं, राजनीति की अगर बात, राजनीति के जो है ये राजनीति इसको बर्बाद कर रहा है सब, दूसरा कुछ नहीं, यही सब चीज़ है। नहीं तो जो है जाति तो एक है, सब एक हैं, दो नहीं हैं जी, मानो मानो एक मानो। तो अब जो है अब वोट के लिए जो है अपना कुछ भी कर सकता है लोग, कराता है लोग, जातिवाद और ये सारी चीज़ें जो देखी जा रही हैं धर्म को लेकर के हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है, सिर्फ वोट बैंक बता, वोट बैंक दूसरा कुछ नहीं। आपके हिसाब से जो है देश के प्रधानमंत्री जो है यशस्वी हैं और ऊपर से लगभग उनका दो पंचवर्षीय की बात अगर की जाए तो लगभग 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अगला जो है फिर से लगभग उम्मीद जताई जा रही है कि देश के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी होंगे, क्या देखा जा रहा है? क्योंकि ये भी बातें चल के सामने आ रही हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं हमारे इस भारत देश के नरेंद्र मोदी जी, जब से वो आए हैं लोगों की मौतों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, कभी ट्रेन हादसा होता है, कभी कोरोना आता है, कभी यहाँ अभी बस हादसा हुआ था, फिर जितनी बार मैं आपको बताऊं आपके नॉलेज में नहीं होगा कि सीधी की धरा पे अब जितनी बार बीजेपी वाला कोई व्यक्ति आता है बड़े नेता, हर बार कोई ना कोई हादसा हो रहा है। तो इसको लेकर के जब आपने छेड़ ही दिया है तो इसको लेकर के आप क्या कहें? अब तो प्रकृति का जो है ये मैंने
अब नियम का तो जो है हम नहीं बता सकते हैं जी, है ना। अब प्रकृतिक जो है जो करा दे हनु करे करावे सोई हनु उमा राम गति जाने ना कोई। शंकर भगवान कहते हैं कि हे उमा वही सब कराते हैं जी, हाँ जितना जो कुछ भी होता है वही सब कराते हैं, उसका उनका गति कोई नहीं जान पाता है। हाँ क्या कहेंगे आप? नहीं हम कहेंगे कि जो है ये जो है पार्टी वाले लोगों का जो है नहीं, देश के प्रधानमंत्री के बारे में आपकी क्या राय? देश के प्रधानमंत्री देखिए वो जो है एक हमारे रामायण में लिखा हुआ है कि बड़ों के कछु दोष न गोसाई आ रवि पावक सुर सरी की नाई। यानी बड़े लोग जो हो जाते हैं तो उनकी गलती गलती नहीं कहा जाता है, वो गलती भी करता है तो उसको सत्य माना जाता है, सही माना जाता है। इसलिए हुआ तो आज जो है आज पूर्व जन्म का उनका देन है कि आज प्रधानमंत्री हुए हैं जी। ये आज का नहीं पूर्व का जो है देन है जी। हाँ तो जो कुछ भी हो रहा है सब उनकी मर्जी है, मतलब वो गलती भी करें तो गलती माने नहीं होगी। अब तो कहाँ कोई मान पाएगा, नहीं मानेगा, इसलिए कि देश का राजा है, देश का राजा है तो उनका गलती जो है गलती नहीं, वो तो जो है वो सत्य माना जाएगा। इसलिए जो है ये कह दिया गया है, रामायण में लिख भी दिए हैं कि बड़ों के कुछ दोष न गुसाई और अभी पावक सुरसरी की नाई, यही सब बात है। तो हम जो है उनकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से हमारी जो है यहाँ इस राम जानकी मंदिर में बातें हुई और बहुत सारी चर्चा हुई। विशेष तौर पर अगर बात की जाए तो देश में जो चीज़ें चल रही हैं, आपने कहा कि हम लगभग 12 साल 15 साल से यहीं गुजार रहे हैं, लेकिन 15 साल से जो है उन्हें वो बाहर निकले नहीं, तो उन्हें कुछ चीज़ें तो पता नहीं, लेकिन आप अगर भ्रमण कर रहे हैं तो आपके साथ बहुत सारी बातें हुई और आप हर बात को खुल के रखने का प्रयास कर रहे हैं और जो सारी चीज़ें हुई वो भी बता रहे हैं कि हमारे देश में जो हो रहा है उसकी परिस्थिति और सबसे बड़ी बात जो जातिवाद, जो धर्मवाद चल रहा है, एक वोट बैंक की राजनीति और यहाँ कोई जाति नहीं, सिर्फ एक ही जाति है, वो है मानवता, मानव। तो लगातार बने रहें और हम आपको दिखाएंगे अब यहाँ की जो तस्वीरें हैं जो कि इस मंदिर में, इस मंदिर परिसर में लोग लगातार जो है लोग पहुँच रहे हैं और यहाँ की जो राम जानकी की जो एक काफ़ी खूबसूरत जो मनमोहक जो मूर्तियाँ हैं उनका भी दर्शन करवाएंगे हम आपको।
अभी आपने देखा कि किस तरीके से इस मंदिर परिसर पे लगभग साधु संत जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका क्या कहना है। उनका कहना ये भी है कि जात पात की हमें आवश्यकता नहीं है, और जो है हम यहाँ पर जब बात करेंगे कि सबसे बड़ी चीज़ें जो देखने को मिल पा रही है, कुछ कमियाँ जो इस मंदिर में बताई गई, वाकई में पानी की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो हर मंदिर में पानी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पानी की भी कमियाँ जो बताई जा रही हैं कि शीतल जल की आवश्यकता जो है वो पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो है वो यहाँ पर पानी की व्यवस्था करवा ही नहीं पा रहा। बल्कि मैं बात करूँगा कुछ ऐसे यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो भक्तगण आते हैं वो तो हैं ही, लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक जो व्यक्ति हैं यहाँ पर अगल बगल की अगर बात की जाए तो मंदिर किसी एक का नहीं होता, लेकिन क्षेत्र जरूर है कि यहाँ के जो विधायक हैं पंडित केदारनाथ शुक्ला हैं, लेकिन इस मंदिर परिसर में एक शीतल जल के लिए एक फ्रीजर नहीं लगवा पा रहे हैं। अब सोचिए कि भगवान तो छूट, मतलब भगवान का भी ऊपर जो है राजनीति किया जाता है। कई बार आपने देखा, अभी हाल ही में देखा कि किस तरीके से बीजेपी में ये जो है मंदिर में कई मूर्तियां टूट गई। अब वही घोटाला देखिए कि भगवान के नाम पर भी बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं। आज फिर से वही चीज़ें कि इस मंदिर परिसर में घोटाला की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन आवश्यकता की अगर बात की जाए तो शीतल जल की जो आवश्यकता है वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए, और अगर वो पूरी नहीं होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो भक्तगण हैं जो आते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं एक जलते हुए पानी यानी कि गर्म पानी का उन्हें सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सुकून की अगर बात की जाए तो बेहद सुकून मिलता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है यहाँ के छांव जो है पेड़ों के, और दूसरी बात ये जो मंदिर जिस जगह पे है जमीन के सीढ़ियों के बाद ऊपर उठता है, फिर इसके बाद मंदिर वहाँ जाके पड़ता है जो स्पष्ट देखा जा रहा। और वहीं मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कुछ चीज़ें यहाँ पर नेताओं के द्वारा भी की गई, ऐसा नहीं है कि नहीं की गई। जो हमारे ही सामने हम आपको दिखाएंगे राम जानकी मंदिर परिसर सीधी नवनिर्मित यज्ञशाला भवन है, अभी उद्घाटन 2020 में फरवरी 2020 को जो यहाँ पर हुआ, जो दिन रविवार था, माघी पूर्णिमा चतुर्दशी थी, और ये है समर्पित यज्ञशाला भवन। दानदाता श्रीमती प्रभा सिंह आनंद सिंह शेरगांव मडरिया के, जो कि उनके द्वारा ये जो है यज्ञशाला भी बनवाया गया, और इस यज्ञशाला के सामने वो हैंडपम्प भी है, लेकिन जो गर्म पानी जो मिलता है जिनके चलते समस्या होती है तो वो सारी चीज़ें हैं ही। अब मैं बात करूँगा कि भक्तगणों की, तो भक्तगण भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में देखे गए। जब से मैं यहाँ पर मौजूद हुआ उसके बाद से मैं खुद देखा, मेरे आने के बाद से लेकर के अभी तक लगभग 30-40 लोग आए, और सभी ने यहाँ पर जो है तो राम जानकी का दर्शन किए। और अभी आपने एक फिल्म भी देखी है जो इसी तरीके की टिप्पणी की गई राम जानकी के ऊपर, या मैं बात करूं कि हनुमान के ऊपर, कि हनुमान ने कैसे ऐसे शब्द बोले। कई ऐसी फिल्में भी बनाई जाती हैं जो हमारे इस धर्म पे बनाई जाती हैं। और आपने ये भी देखा कि धर्म कौन सा धर्म होता है, तो आपने बताया कि भाई सत्य का को जो धर्म है वो एक ही है, सनातन धर्म। लगातार जुड़े रहें आप 24 न्यूज़ से, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ें आपको कि आप इस मंदिर में ज़रूर आएँ, एक बार देखिए तो सही कि इस मंदिर में शांति कितनी है। यहाँ कोई गाड़ी का हाम नहीं, अगर कभी भी आप टेंशन से जूझ रहे हैं तो यहाँ पर आके आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर आने से बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, मैं खुद बैठा और बैठने के बाद ये फील किया कि कितनी शांति है यहाँ पे। दूसरी बात, जाति धर्म की टिप्पणियाँ तो लगातार चलती रहती हैं, और सबसे बड़ी बात जो ये बताई गई कि ब्राह्मण के द्वारा ही यहाँ पर जाति और धर्म बनाया गया था, जिसको लेकर के ब्राह्मण ने एक दूसरे को नीचता दिखाया, जिसके वजह से आज अन्य जो व्यक्ति हैं जो जाति है वो कहीं ना कहीं दूसरे धर्म में वो खुद जा रहे हैं, जिनका कारण धर्म में दूसरी जगह जाने का जो कारण बताया जा रहा है वो है सिर्फ ब्राह्मण, ऐसा आपके द्वारा बताया। तो कैसा लगा ये मंदिर, आप ये बात जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जो लोग आ रहे हैं, या कभी आप आए हैं, या फिर आप नहीं आए हैं तो आप आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो भी आपको इस मंदिर के बारे में कमेंट करना हो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं कि कैसा लगा आपको ये मंदिर। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस मंदिर का जो है आप बढ़ाएं कि ये मंदिर कहाँ पर मौजूद है। तो मैं आपको बता दूं कि सीधी जिले से जो है ये रोड जो है, मैं आपको बता दूं कमरजी रोड से ही आपको यहाँ पर हनुमाना जाना होता है और मऊगंज जाना होता है इसी रोड से। तो सीधी से जैसे ही आप पुलिस लाइन क्रॉस करेंगे और पुलिस लाइन से थोड़ी सी आगे आएंगे तो ये मंदिर राम जानकी का बोर्ड रोड के किनारे लगा हुआ है, और आप वहाँ से जैसे ही आप देखेंगे जहाँ पर बोर्ड लगा है तो सीधे आपको मंदिर दिखाई देगी और इस मंदिर में आप आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। लेकिन कमेंट में जरूर बताइएगा कि दर्शन करने के बाद आपको इस मंदिर में कैसा लगा। लगातार जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।